असलम एवरी वन वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्पाइनल नर्वस ये हमारा छोटा सा टॉपिक है चैप्टर फोर एग्जीला में हम इसको क्यों पढ़ें क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रेकिअल प्लगजिस ठीक है ब्रेकिअल प्लगजिस कैसे बनता है उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि वेंट्रल प्राइमरी रेमाई डोरसल रैमस ऐसी चीज़ें हम पढ़ते हैं सो हम देखेंगे कि नर्व कैसे बनती है स्पाइनल नर्व ठीक है फिर उसमें से रैमस कैसे कैसे डिवाइड हो के बनते हैं और फिर कौन से रैमस हैं जो प्लग की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं ठीक है थीके? हमारी बॉडी में ब्रेकियल प्लग है सर्वाइकल प्लग है सेक्रल है, लंबर प्लगेस है प्लगजेस बेसिकली होता है कि दो जब नर्व्स हैं काफ़ी सारी नर्व्स उनके रैमस जो हैं वो कंबाइन होकर एक नेटवर्क बनाते हैं जहाँ से डिफरेंट नर्व्स निकलती हैं जैसे ब्रेकिल प्लगज उसमें से वो नर्व्स निकलेंगी जो हमारे अपर लिम को जो है वो सप्लाई करेंगी जैसे हम लोग पढ़ते हैं अल्नर नर्व रेडियल नर्व ऐसी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं मीडियन नर्व ये सब पढ़ते हैं एक्जिलरी नर्व सो so, ये सारी नर्व्स कैसे निकलती हैं स्पाइनल नर्व कैसे बनती है ठीक है स्पाइनल कोड से ही निकलेंगी स्पाइनल नर्व्स ठीक है जैसे क्रेनियल नर्व्स होती है इसी तरह स्पाइनल नर्व्स होती हैं सो so, सबसे पहले हम देखेंगे स्पाइनल नर्व में देर आर थर्टी वन पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व ठीक है स्पाइनल कोर्ट से जो नर्व्स निकलती हैं उसके कितने पेयर्स होते हैं थर्टी वन पेयर्स थर्टी वन नहीं बोलना थर्टी वन पेयर्स यानी टोटल हम करें तो सिक्सटी टू बनेंगी हमारे पास ठीक है ईच स्पाइनल नर्व इज़ फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ डोरसल रूट एंड वेंट्रल रूट यानी क्या होगा कि जो स्पाइनल कोड है ये हमने इसका क्रॉस सेक्शन ड्रा किया है स्पाइनल जो स्पाइनल कोड है उसके रूट्स बनेंगे कौन सा रूट एक होगा हमारे पास डोरसल रूट ठीक है ये हमारे पास होगा डोरसल रूट और एक होगा हमारे पास वेंट्रल रूट डोरसल का मतलब होता है पोस्टीरियर पोस्टीरियर रूट भी कह सकते हैं बट हम इधर डोरसल का वर्ड यूज़ करेंगे और एक होगा वेंट्रल रूट यानी दोनों रूट्स निकलेंगे फिर नर्व आगे बनेगी इन रूट्स के कम्बिनेशन से ठीक है डोरसल रूट कौन सा होता है डोरसल रूट कंटेन सेंसरी फ़ाइबर्स यानी जो डोर्सल रूट है स्पाइनल कोड को उसमें से कौन सी फाइबर्स जाती हैं सेंसरी फाइबर्स यानी जब कोई सेंसेशन होती है या हम कुछ सेंस करते हैं या कोई एक्सटर्नल स्टिमूलाए आता है तो सेंस करके किस में जाता है डोर्सल डौस, रूट के थ्रू स्पाइनल कोड तक जाता है ठीक है यानी सेंसरी फाइबर ट्रैवल करेंगी इस रूट में ठीक है एंड कंटेन डोरसल रूट गेंगलियोन यानी जब फाइबर्स हैं नर्व फाइबर्स उनका गेंगलियोन कब बनेगा जब क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज हो जाएगा यानी एक नर्व में सेल बॉडी भी होती है सब जब सेल बॉडीज क्लस्टर की फॉर्म में कंबाइन हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा गेंग्लियन बन जाएगा ठीक है ये है हमारे पास डोरसल रूट गेंग्लियन ये है हमारे पास डोरसल रूट ये है डोरसल रूट और उसके अंदर कौन सी फाइबर है सेंसरी फाइबर्स हैं और उनका क्या बन गया है गेंग्लियन ठीक है एंड एंटर डोरसल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड के हॉर्न होते हैं एंटीरियर एंटीरियर हॉर्न पोस्टीरियर हॉर्न एंड लैटरल हॉर्न सो जो डोरसल हॉर्न है वो पोस्टीरियर हॉर्न ही होता है सो डोर्सल रूट एंटर करता है स्पाइनल कॉर्ड को किसमें डोरसल हॉर्न में ये है हमारे पास डोर्सल हॉर्न और ये है डोरसल रूट और यह है डोरसल रूट गेंगलियान ठीक है और इसमें कौन सी फाइबर्स हैं सेंसरी फाइबर्स हैं ये हमने कवर कर लिया डोरसल रूट यानी स्पाइनल कोड से रूट्स निकल रहे हैं अब हम पढ़ेंगे वेंट्रल रूट यानी दो रूट्स निकलेंगे उनसे बनेगी स्पाइनल कोड और स्पाइनल कोड आगे डिवाइड हो जाएगी सॉरी स्पाइनल कोड नहीं स्पाइनल नर्व स्पाइनल नर्व देन डिवाइड होगी इसमें रामस में अभी हम रूट देख रहे हैं कौन सा वेंट्रल रूट यानी एंटीरियर रूट सो ये कहाँ से किस में जाके राइज uh, करेगा एंटीरियर हॉर्न से क्योंकि एंटीरियर है एंटीरियर रूट या वेंट्रल रूट और इसमें कौन से फाइबर्स होंगे मोटर फाइबर्स होंगे एंड अराइजेज फ्रॉम दी एंटीरियर हॉर्न मोटर फाइबर्स कौन से होते हैं वो फाइबर्स जो फंक्शनिंग परफॉर्म करेंगे यानी रिस्पॉन्स लेके जाएंगे एक्सटर्नल स्टिमूला आया उसको डिटेक्ट किया सेंसरी फाइबर्स लेके गए मैसेज और अब उसका रिस्पॉन्स लेके आएंगे मोटर फाइबर किसके थ्रू वेंट्रल रूट के थ्रू ठीक है वेंट्रल रूट को हम यहाँ देख लेते हैं ये हमारे पास आ रहा है वेंट्रल रूट और इसमें कौन से फ़ाइबर हैं मोटर फाइबर जैसे ये था हमारे पास डोरसल रूट उसमें थे सेंसरी फाइबर ये हमारे पास डोरसल रूट और डोरसल रूट में हमारे पास आ रहे हैं सॉरी वेंट्रल रूट उसमें आ रहे हैं हमारे पास मोटर फाइबर्स और मोटर फाइबर्स ये हमारे पास प्री गेंगलियोनिक फाइबर रेड में ब्लू में हमारे पास मोटर फाइबर्स हैं और जो ब्लैक में है वो सेंसरी फाइबर्स हैं ठीक है थीके? अब क्या होगा मोटर एंड सेंसरी फाइबर्स गेट यूनाइटेड इन स्पाइनल नर्व अब ये दोनों जो सेंसरी और मोटर फाइबर्स हैं जो इनके रूट्स हैं ये यूनाइट करेंगे किसमें स्पाइनल नर्व बन जाएगी ठीक है विच डिवाइड्स इंटू शॉर्ट डोर्सल रामस एंड लॉन्ग वेंट्रल रैमस ठीक है फिर क्या होता है कि जब स्पाइनल नर्व बन जाती है तो वो डिवाइड हो जाती है रैमस में किस में दो रैमस होते हैं एक होता है डोर्सल रैमस और एक होता है वेंट्रल रैमस जो डोर्सल रैमस होता है वो शॉर्ट होता है और वेंट्रल रैमस होता है वो लॉन्ग होता है ये हमारे पास रैमस ये है डोर्सल रैमस और ये क्या है हमारे पास शॉर्ट है और ये है वेंट्रल रैमस और ये हमारे पास लॉन्ग है ठीक है अब हम गेंगल्योनिक फाइबर्स को भी देख लेते हैं ये हमारे पास आ रहे हैं प्री गेंग्लियोनिक फाइबर ये आ रहे हैं रेड में पोस्ट गेंग्लियोन

पोस्ट गेंगलियोनिक फाइबर्स ठीक है ये थे हमारे पास स्पाइनल नर्व क्या हुआ कि हमने स्पाइनल कोर्ट का क्रॉस सेक्शन किया यह उसका क्रॉस सेक्शन और वहाँ से निकले रूट्स वेंट्रल रूट एंड डोर्सल रूट ठीक है और वो दोनों कंबाइन होकर स्पाइनल नर्व बनी और स्पाइनल नर्व नेक्स्ट डिवाइड हो गई रैमस में डोर्सल रामस एंड वेंट्रल रैमस शॉर्ट डोर्सल रैमस में और लॉन्ग वेंट्रल रामस में और नेक्स्ट अब हम देखेंगे इनके रैमस जो हैं वो प्लगज की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं ओनली वेंट्रल प्राइमरी रामाये फोम प्लगज कह रहे हैं कि जो हमारे पास वेंट्रल प्राइमरी रमाय होते हैं ना यानी ये, ये वाले हमारे पास ये वाले ये रैमस हमेशा प्लगज़ की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे कौन से प्लगज ब्रेकिल प्लगज सर्वाइकल प्लगज सेक्ट्रल प्लगज एंड लम्बर प्लगज ठीक है और नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे ब्रेकियल प्लगज पढ़ेंगे और उसमें कौन से इन्वॉल्व होते हैं वेंट्रल रिमाई ही इन्वॉल्व होते हैं सी फाइव टू सी एट एंड टी वन ठीक है एंड टी वन ये वाले यानी इन नर्स के सी फाइव टू सी एट नर्स के जो वेंट्रल रेमाई होंगे और टी वन के वेंट्रल रेमाई होंगे वो इंटरकनेक्ट करेंगे और एक नेटवर्क बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे ब्रेकल प्लेक्सिस और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल स्टडी करेंगे इफ़ यू अंडरस्टैंड दी वीडियो और स्पाइनल नर्स सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग